Hey, assalamu alaikum my friends. Hope you guys are doing good. Alhamdulillah, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ दोस्तों. जैसे कि आप लोग जानते हैं स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में, अगर जो नहीं जानते हैं, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज इसके बारे में दोस्तों. कई लोग होते हैं जो फायर एक्सीडेंट्स में जिनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और कई लोग जलकर, मतलब जो कोशिश करते हैं जलकर मरने की, उनकी वजह से भी उनकी स्किन पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है दोस्तों. मैं आपको ये बता दूँ, जब भी कोई भी पेशेंट अगर 40-50% जल जाता है तो समझिए कि उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. केयर टेकर्स भी उनकी केयर नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको कैसे बचाया जाए. अगर वो बच भी जाते हैं तो जो उनकी स्किन बर्न हो जाती है पूरी तरीके से, उसको रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है. और ज़्यादातर तो देखा भी जाता है कि ये रिकवर ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसी बैड क्वालिटी में आ जाती है स्किन. मैं आपको ये बता दूँ कि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जैसा प्रॉब्लम होती थी जब भी कोई स्किन जल जाती थी तो आपको डिहाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाती थी, जो हमारे अंदर जो पानी होता है, हाइड्रेटेड रहने की वजह से स्किन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और जो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनकी क्वालिटी और भी बहुत अच्छी होती है. फिर ब्लड प्रेशर इशूज़ हो जाते हैं, सेप्सिस होने के चांसेस होते हैं. सेप्सिस यानी कि कुछ ऐसे हार्मफुल इन्फेक्शन होते हैं जो आपके ब्लड में जाकर आपके पूरे ऑर्गन्स को मॉल फंक्शन कर सकते हैं, यानी कि ख़राब कर सकते हैं. इस तरीके के प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं अगर कोई जल जाता है तो. सो दोस्तों, इसका क्योर बताया जा रहा है, इसे क्योर किया जा सकता है स्किन ग्राफ्टिंग के जरिए. दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, एक नया टर्म आया है ग्राफ्टिंग. इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये स्किन को बदलना, यानी कि ट्रांसप्लांट कर नए स्किन के टिश्यूज से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसे स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं दोस्तों. वल मैं आपको बता दूँ कि ये पॉसिबल हुआ है और ये प्रोसेस चल रहा है. वेल, ये लेटेस्ट अपडेट आई थी तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए. अब जो भी जले हैं या जिसके थर्ड डिग्री बर्न्स तक भी हुए हैं, थर्ड डिग्री बर्न्स उसे कहते हैं दोस्तों. हमारे स्किन जब भी जल जाता है तो स्किन में कई किस्म के लेयर्स भी होते हैं, एक के बाद लेयर्स फॉर्म किए जाते हैं. उसके नीचे फैट कंटेंट होता है हमारे स्किन में, तो अगर वो फैट कंटेंट तक आपको जल जाता है तो उसे थर्ड डिग्री कहते हैं. ठीक है, अगर वहाँ तक आपको चल गया तो स्किन रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, मगर ये पॉसिबल अब किया जा रहा है. थर्ड डिग्री के पेशेंट्स को भी स्किन ग्राफ्टिंग का इलाज दिया जा रहा है. तो अब ये स्किन ग्राफ्टिंग को कैसे किया जाता है दोस्तों, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर कोई गुजर गए हैं, अगर जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, समझे कि उस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उनके फैमिली से ये परमिशन ली जाती है, क्या हम आपके पेशेंट के बॉडी को उनका स्किन इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं. जब अगर फैमिली कंसेंट दे देती है कि आप अभी ये डोनर्स कहते हैं उसको, अगर डोनर दे देता है अपनी स्किन, उसकी ख्वाहिश होती है कि भाई मैं जाने के बाद अपनी स्किन दे देना चाह रहा है, तो उसकी स्किन को इस्तेमाल किया जा सकता है. जी हाँ, और अगर ये स्किन का इस्तेमाल किया जाए, प्रॉपर फ्लूइड्स मेंटेन किया जाए, अगर उसका ब्लड प्रेशर लेवल्स को अच्छा देख लिया जाए, या जो जो भी उनके प्रोसेस बताए जाते हैं जो मेडिकल डॉक्टर्स करते हैं, अगर वो प्रोसेस हुआ तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि बॉडी सेल्फ हील कर सकती है ये ट्रांसप्लांट का. जी हाँ, मतलब कि थर्ड बर्न के स्किन को निकाल कर ये स्किन को रिप्लेस किया जा सकता है. वेल, मैं आपको बता दूं कि हमारे हैदराबाद में ही ये प्रोसेस किया जा रहा है. उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में ये प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था एक साल पहले. यहाँ पर स्किन बैंक भी खोला गया है दोस्तों. अब तक तो आपने देखा होगा कि ब्लड बैंक वगैरह ये सब सुना होगा ऑर्गन बैंक के, मगर स्किन बैंक भी खोला गया है थर्ड डिग्री के पेशेंट्स के लिए दोस्तों. वेल, अगर कोई भी डोनर्स देना चाहते हैं तो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल्स में कॉन्टैक्ट कर दे सकते हैं. वेल, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर उस्मानिया वाले मतलब ये स्किन ग्राफ्टिंग का मेथड शुरू किए हैं और ये सक्सेसफुल भी हो रहा है. और भी मैं आपको बता दूँगा, अगर जो स्किन ग्राफ्टिंग नहीं, मतलब स्किन ग्राफ्टिंग थ्रू नेचुरल, ये जैसा मैंने आपको बताया वैसा नहीं करना चाहते, आर्टिफिशियल स्किन भी इनको लगाई जा सकती है. वेल, एक रिसर्च के मुताबिक दो रिसर्च साइंटिस्ट हैं, मैं जहाँ तक समझता हूँ यूएस की साइंटिस्ट हैं, जिनका नाम आईएमएस बताया गया है और दूसरे का नाम जॉन बताया गया है. ये दोनों ने मिलकर रिसर्च की है कि आर्टिफिशियल स्किन को क्या रिप्लेस किया जा सकता है, और ये बात बिल्कुल सच है कि रिप्लेस किया जा सकता है. अब जो स्किन जो नई बनी है दोस्तों, वो स्किन होगी आपको शार्क
कार्टिलेज से, ये जो मच्छी होती है ना शार्क की कैटेगरी, तो शार्क कार्टिलेज और काउ हाइड से भी इस स्किन को बनाया जा सकता है, यानी कि कोलेजन फ्रॉम काउ हाइड। तो ये टिश्यूज फ्रॉम काउ हाइड से लेकर और शार्क कार्टिलेज से लेकर भी एक स्किन आर्टिफिशियल को तैयार किया जाता है और वो स्किन रिप्लेस की जाती है ह्यूमन स्किन से दोस्तों, और वहाँ से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि सेल फीलिंग का। मगर देखा यह गया है कि आर्टिफिशियल अगर स्किन लगाया जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसीलिए तकरीबन लोग ये कोशिश करते हैं कि वो जो नेचुरल प्रोसेस होता है जिनके जो गुजर जाता है इस दुनिया से उनकी स्किन को रिप्लेस करने के लिए बताते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली यहाँ पर ये जनरल हॉस्पिटल है तो इसमें ज़्यादा लोग इकोनॉमिकली ज़्यादा वीक ही सेक्शन आते हैं, तो इसीलिए स्किन ग्राफ्टिंग थ्रू डिसीज्ड पेशेंट्स ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है व्हेन कंपेयर टू आर्टिफिशियल स्किन दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये, और मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूँ कि जो भी स्किन निकाली जाती है डिसीज पेशेंट से, ये अगर प्रिजर्व की जाती है फ्रिज वगैरह जो भी उनके प्रोसेस होते हैं उसमें प्रिजर्व की जाती है, तो 5 साल तक इसको इस्तेमाल किया जाता है और एक मशीन के थ्रू इस स्किन को निकाला जाता है, डर्माटोम उस मशीन का नाम है दोस्तों, ये मशीन के थ्रू ये स्किन को निकाला जाता है जिसमें ब्लीडिंग की डिसफिगरमेंट कुछ भी नहीं होता है, आराम से स्किन को निकाल देते हैं डॉक्टर्स और पतली लेयर निकालते हैं टिश्यूज़ जो स्किन के होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी दोस्तों, अगर पसंद आ जाए आपको तो मेरे चैनल हैदराबाद रूटीन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने स्क्रीन के नीचे रेड कलर बटन को दबाइएगा तो वो ग्रे में बदल जाएगा, अगर ऑलरेडी ग्रे में है तो उसे कुछ मत कीजिए, बस छोड़ दीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं इंशाल्लाह ताला जो भी अच्छी टॉपिक्स की अपडेट्स होती हैं मैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपके पास लाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि मेरा और आपका दोनों का फ़ायदा हो जाए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।